हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अनीता। आज हम लोग मसाला पनीर पुलाव बनाएंगे। बनाने में बहुत इजी है और टेस्टी भी है, तो चलिए मिलकर बनाते हैं। मसाला पनीर पुलाव बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पैन में घी डालेंगे, 1 टेबल स्पून, और इसमें पहले हम लोग पनीर फ्राई कर लेंगे। पनीर मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। राइस मैंने पहले कुक करके रख लिया है। पनीर हो गया है, हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें हम लोग जीरा डालेंगे। दो लौंग देंगे, एक इलायची डालेंगे और इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज थोड़ा भूंजेंगे। पुलाव में घी का फ्लेवर अच्छा लगता है, इसीलिए घी डालते हैं। आप चाहो तो रिफाइंड भी डाल सकते हो। इसमें थोड़ी सी कैप्सिकम डाल देते कलर के लिए। प्याज को थोड़ा सा भूंज लेंगे। एक टमाटर है, इसमें एक हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक दे के पीस लिए हैं, ये इसमें डाल देते हैं। इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़े मसाले डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा बिरयानी मसाला। मिक्स करेंगे अच्छे से। पकने देंगे। इसमें अब पनीर डाल देंगे और कुक्ड राइस डाल देंगे। इसमें नमक देंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। मिक्स करेंगे।
इसमें बासमती चावल भी ले सकते हो। मैं नॉर्मल राइस ली हूँ गोविंद भोग। थोड़ा देर इसको ढक कर पकने देते हैं। हमारा राइस हो गया है, गैस बंद कर देते हैं और सर्व करते हैं। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप उसमें ये किचन किंग मसाला डाल सकते हो, पाव भाजी मसाला भी दे सकते हो, उसका भी एक टेस्ट, अलग टेस्ट आता है। मसाला पनीर पुलाव रेडी है।